तो जैसे अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं लिखनी पड़ जाए तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, दुनिया के अनेक भागों की इन्होंने यात्राएं की हैं, और उनका एक छोटा सा वर्णन जो उन्होंने इस चैप्टर के अंदर किया है ल्हासा की, और उनका जो है संपूर्ण जीवन जो है संघर्षों में बीता है, उनकी रचनाएं जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित है, ये जो है बौद्ध धर्म से काफी प्रभावित हुए थे, और इनके जीवन के ऊपर जो है कार्ल मार्क्स का काफी प्रभाव था, ये कार्ल मार्क्स से काफी प्रभावित थी। दूसरा जो है अगर इनकी भाषा शैली आ जाए तो भाषा शैली जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको याद नहीं रहता तो भाषा सहज है, सरल है, ठीक है, भाषा में जो है तत्सम तत्व शब्दों का प्रयोग हुआ है, इन्होंने जैसे यात्रा वृत्तांत लिखे हैं उनके जो है रचनाओं के अंदर उर्दू के अंग्रेजी के शब्दों का जो है प्रयोग खुलकर मिलता है, इनकी जो भाषा है वो वर्णात्मक और रचनात्मक है। इस तरह से आप भाषा शैली की तीन चार लाइनें लिख सकते हो। जीवन परिचय आपका पूरा लिखना नहीं आता, क्या आएगा या तो काव्य सौंदर्य होता है कविता में, और इसमें क्या हो जाएगा आपका जैसे भाषा शैली पूछ लें या साहित्यिक विशेषताएं पूछ लें, साहित्यिक विशेषताएं भी लिखनी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने ऊपर लिख लिया कि ये चैप्टर कौन सी शैली में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है यात्रा वृत्तांत शैली। अब यहाँ पर जो है इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि वर्णन क्या किया गया है कि 1929 में जब राहुल जी तिब्बत यात्रा के लिए जाते हैं तो वहां पर जाने के लिए इन्हें अनुमति नहीं मिलती और ये छदम वेश में जो है तिब्बत पहुंचते हैं। छदम क्या होता है? छदम होता है नकली वेश। मान लो आप अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर, आप जो रियल हो उस रियल आइडेंटिटी को छुपाकर जब आप कहीं जाते हो तो वो कहलाता है हिंदी में छदम वेश। तो ये जो है उस छदम वेश में जो है वहां की यात्रा करते हैं। जो एक सुमति नाम का इसमें एक वर्णन आता है, सुमति एक बौद्ध भिक्षु है, नेपाल जो है बौद्ध धर्म का जो है गढ़ है, वहां पर जो है बौद्ध धर्म की बहुत ज्यादा मान्यता है, लोग जो है बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं, वहां पर बौद्ध मंदिर भी हैं, और वहां पर जो बौद्ध भिक्षु है ना वो एक राजा की तरह है, एक सामंत का काम करते हैं। तो लेखक जब वहां गया तो इस पाठ के अंदर लेखक ने वर्णन किया है कि वहां का समाज कैसा था, वहां पर औरतों की स्थिति कैसी थी, वहां की कानून व्यवस्था कैसी थी, साथ में उन्होंने वहां के वातावरण का वर्णन भी किया है कि वहां पर गर्मी थी या सर्दी थी या वहां पर रात का मौसम कैसा था, दिन का कैसा था, ये सब वर्णन जो है इस चैप्टर में लेखक ने किया है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था, नेपाल से तिब्बत, ल्हासा क्या बताया मैंने, नेपाल की सॉरी तिब्बत की राजधानी, फ्री क्लोंग पोंग का रास्ता। अब मुख्य रास्ता कौन सा था? फ्री क्लोंग पोंग, ये नाम है उस रास्ते का जो नेपाल से जो है तिब्बत जाता है और जो मेन है उस रास्ते का नाम है फ्री क्लोंग पोंग का रास्ता। जब नहीं खुला था तो वो रास्ता बंद था, मैंने बताया कि वर्णन कब का है 1929-30 के आसपास का, उससे हमारा देश क्या था, आजाद नहीं था, तो वो रास्ता जो है बंद कर दिया गया था। तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से जाया करती थी, जो आयात निर्यात था वो जो है वहां से होता था, यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। अब सिर्फ व्यापारिक चीजें वहां से नहीं आती जाती थी, जो सैनिक गाड़ियां थी सैनिकों के आने जाने का रास्ता था वो भी वही था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, तो रास्ते में जो है फौजियों के ठहरने के लिए जो है जो पुराने किले थे उनमें जो है फौजियों के ठहरने के लिए जगह बना दी गई थी, तो इसलिए इसने दिया है कि फौजी चौकियां और किले थे।